भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होकर वापस घर लौट आए हैं। वे अभी दिल्ली में ही अपने आवास पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि देश और प्रदेश के लोकप्रिय नेता हमारे अनुज ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। यह अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का विषय है। उनकी माताजी राजमाता ग्वालियर के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार हो, ऐसी ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुखार, खांसी और गले की खराश होने के कारण 9 जून को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद जांच में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही दोनों का इलाज चल रहा था। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों की जाँच की गई, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई थी। माधवी राजे सिंधिया को शुरुआत में सांस लेने में थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य बेहतर है। भाजपा की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल से दिल्ली चले गए थे। इसके बाद वे लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में ही थे। अब सिंधिया समर्थकों को उम्मीद है कि कुछ दिन घर पर आराम करने के बाद वे वापस प्रदेश लौटेंगे और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि देश और प्रदेश के लोकप्रिय नेता हमारे अनुज ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। यह अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का विषय है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।